हेलो गाइस, वेलकम बैक टू YouTube चैनल स्टील एक्स गेमिंग। एंड आज डेविल सिंपी का पार्ट 2 आ चुका है। मेरे को एक बंदे का कमेंट है कि डेविल सिंपी का पार्ट 2 कब आएगा। सो जिसे भी पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी हो जाके देख लेना। एंड ये रही अपनी डेविल सिंपी, उन्होंने नाम डेमो ने सिंपी रखा है ऐसी फन के लिए। दो प्लेयर ऑलरेडी खेल रहे हैं, रेड एक्स 2008 एंड अफान तो मेरा दोस्त है, सभी को पता हुआ, वो मेरी बहुत वीडियो में आ चुका है। एंड हाँ, ये हमारा घर है, जिसको नहीं पता हमने ये घर पहले एपिसोड में बनाया था। जिसने नहीं देखा वो देख लेना, मैं कमेंट में डाल दूंगा। एंड हाँ, या फिर आई बटन में डाल दूंगा। सो या अब हमारा एक सेकंड, मेरे हाथ में क्या है, -350। ये किसके कोऑर्डिनेट है माइनस, और मेरा अभी क्या कोऑर्डिनेट है, मेरे पास ही है तो -350 एंड 67 -350। ये किसके कोऑर्डिनेट है, एक सेकेंड, मेरी इन्वेंटरी कहाँ गई पूरी। अबे एक सेकेंड, मैं चेस्ट में रखी थी क्या, एक मिनट, मैं चेस्ट में रखी थी शायद, अरे मेरे को याद है मैंने चेस्ट में रखी थी। हाँ ये मैंने अपने दोस्तों की चेस्ट में, जिसको नहीं पता हो देख लेना, ये तो फन किया है ये। अरे स्टोन के टूल्स है, मेरी इन्वेंटरी खाली कैसे हुई, आयरन भी। ओह शिट ब्रो यार, ये चल क्या रहे, एक तो स्पॉन थी मेरे को पता नहीं क्या कोऑर्डिनेट थी, तो पहले इनको चल के देखते हैं क्या कोऑर्डिनेट है। -3350 3350 चलते हैं भाई, ये पहले 2682 पे चलते हैं, 2682 अरे पास ही। अरे ये आयरन फार्म किसने बनाया है, शिट ब्रो पहले मेरे को ब्लॉक करना होगा। अरे चलो इतने ब्लॉक्स इनफ होंगे आई थिंक। 2682 अभी आयरन फार्म बनाया, अभी वर्क भी नहीं करा, किसने बनाया, वर्क भी करता है ये क्या। ओ लेट्स गो ब्रो, ये वर्क करता है मेरे पे। ओ शिट यार, मेरे पे वुड नहीं पड़ी, मेरे को वुड ढूंढनी पड़ेगी आसपास। एक सेकेंड, अभी मैं अपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ करता हूँ। अब कोई आसपास पेड़ है क्या, हो रहा पेड़। एंड चलते भाई, मेरे को अभी तो समझ नहीं कोऑर्डिनेट कैसा है मेरे हाथ में ऑटोमेटिकली, मैंने तो बल्कि से एमपी पे खेला नहीं और आयरन फार्म भी बना हुआ है। जल्दी चल, अरे चल क्यों नहीं रहा। ओके जल्दी चलते हैं। तो चलो यार एक बकेट बना लेते हैं, एंड बकेट ऐसे बनती है, हाँ मेरे को याद है। एंड अभी ओ यहाँ पे आयरन सॉर्ट किसने फेंकी, अभी चल क्या रहा भाई सर, अभी आयरन सॉर्ट टॉर्चर सीड ये किसने फेंके। हाँ छोड़ो, वैसे कोऑर्डिनेट क्या थे यार, वो डाउट हो रहा है यार, मेरे कोऑर्डिनेट कहाँ याद है मेरे को, -2682 2682 ये रहा, एंड 3350 है तो बहुत पास है, चलते हैं। अरे भाई क्या ना, इधर कहीं भी जाना पता नहीं क्या है, यहाँ फार्म है यहाँ। चल चलते रहो भाई, मेरे को कोऑर्डिनेट दिए किसने, मेरे को ये डाउट नहीं समझ में नहीं आ रहा। और फार्म का माइक भी नहीं खोला, ओ वेट ये क्या है, अबे ये क्या, कि ये किसके हेड रखे हुए हैं, अबे ये मीसा भाई हूँ, ये चंक को क्या रखा है यहाँ के, मीसा यहाँ पे मीसा भाई हूँ मैं। अरे भाई चंक क्यों उठा रखा है, क्या चल क्या रहा है ये, और ये तो कोऑर्डिनेट है ना शायद। अरे यार छी यार, मैं क्यों डैमेज ले रहा हूँ, क्या थी कोऑर्डिनेट 3350, एक सेकंड क्या ये इस चीज की कोऑर्डिनेट है, 3350 26, ये किसका हेड है, एक सेकंड, ये रेडस्टोन टॉर्च, एक मिनट भाई, ये अजीब सा डेविल, ओह शिट ब्रो एक मिनट, यहाँ क्या है, व्हाट
इधर से रास्ता जा रहा है भाई, यहाँ पे क्या होगा भाई? मेरे को बहुत डर लग रही है, कुछ नहीं लगता है, बहुत संभाल के चलना पड़ेगा यार भाई। क्या भाई क्रीपी प्लेस है, एंड पोर्टल की फ्लेम है यहाँ पे इसके आगे। वेट, रेड एक्स, ये कौन है ये? अरे भाई यहाँ पे पार्कोर करना है। वेट, वहां पे अफान, हेलो अफान मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ, अरे काय तू जल्दी इधर आ भाई, मेरे को बचा ले यार, देख मैं बड़े टाइम से प्रिजन में बंद हूँ। इस तुम्हें यहाँ भेजा किसने? ये रेड एक्स कौन है? रुक जा, अच्छा मेरे को समझ में आया, इसने तेरे को ट्रैप किया ना, इसने नहीं, इसने मेरे को ट्रैप नहीं किया, ये बड़ा अच्छा इंसान है भाई, ये बड़ा अच्छा इंसान है। इस पे भाई ये मेरे को कुछ खतरनाक सा लग रहा है यार। नहीं ये अच्छा इंसान है, मैंने इसकी सारी बातें सुनी है। मेरे को तो हेलो मेरे को तो इसकी आवाज नहीं आ रही, तेरे को कैसे आ रही है? अरे इसने मुझे सब कुछ बताया था, इसकी आवाज सिर्फ मुझे आती है क्योंकि अब मैं दोस्त बन चुका हूँ। यानी ये बुरा नहीं है? हाँ ये, अरे उसको मार मत भाई, वो बुरा नहीं है, वो पहले एक बहुत बढ़िया योद्धा था, पर अब उसको एक भाई खाना दे रहा हूँ। हाँ उसको खाना दे। अब वो उसको एक पता नहीं कौन सी एंटिटी है, उसको ने इसको ट्रैप कर लिया है, पहले ये बहुत बढ़िया राजा था एक एंटिटी ने इसको ट्रैप किया। हाँ बता, एंटिटी क्या करेगी इसको ट्रैप करके अगर अच्छा था तो? मुझे खुद नहीं पता भाई, मारो मत उसको, वो बहुत अच्छा इंसान है। अबे भाई ये बड़ा अच्छा इंसान है, इसका एक किंगडम था, उसमें बड़े सारे विलेजर्स थे। किंगडम? और हाँ इसका एक पूरा किंगडम था, फिर एक एंटिटी आई और क्या कहते हैं इसके किंगडम पे कब्जा कर लिया, और उसके बाद उसने इसको यहाँ प्रिजन में डाल दिया, और इसके विलेजर्स को वो नेदर में ले गया, और वहां पे वो नेदरराइट की माइनिंग करवाता है उनसे ताकि वो गॉड आर्मर बना सके। यानी तू कहना चाह रहा है इसका एक किंगडम था बड़ा? हाँ, और इसको ट्रैप कर दिया ताकि, और इसके विलेजर से नेदरराइट माइनिंग करवा रहा है वो? हाँ, ताकि वो गॉड आर्मर बना सके। एंटिटी करेगा क्या गॉड आर्मर बना के? वो तो मुझे भी नहीं पता। ओ भाई ये क्या चल क्या रहा है मतलब भाई इसमें? तुमसे मिलने आता भी है क्या? तुम्हें मारता है या फिर तुमसे मिलने आता है वो? नहीं हमसे तो अभी एक बार भी नहीं मिलने आया। ओके तो तुमने उसे तुम्हें रखा क्यों है यहाँ? ताकि तुम उसके प्लान को एग्जीक्यूट ना कर पाओ? अच्छा वरना तुम उसे रोक दोगे उसके प्लान से एग्जीक्यूट करने से? हाँ। अच्छा यानी तू कहना चाह रहा है कि वेट मेरे को ब्लाइंडनेस क्यों मिली? हेलो भाई मेरे को ब्लाइंडनेस मिल गई। ओबे पॉइजन भाई ये क्या हो रहा है? तुम मुझे पहले पता नहीं भाई में क्या हो रहा है, तुम्हें भी पॉइजन आता है? हाँ आता तो है बीच बीच में, हर 10 मिनट में आते रहता है। ये तुम्हें टॉर्चर भी कर रहे हैं? हाँ ओ भाई